students, this is your reading. Now we will discuss some important points. The important points are: Zahiruddin Muhammad Babur was the father of Humayun. It means that Humayun was the son of Zahiruddin Muhammad Babur. Humayun, the birthplace of Humayun is Kabul, and he was born in 1508 AD. He has command in Turkish, Arabic, Persian and literature, but he has special interest in mathematics and astronomy. Governor of Badakhshan in 12 years old. Wo Badakhshan ka governor tha jabki wo sirf 12 saal ka tha. Students, now I will recapitulate the whole reading. नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जो था वो 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ. नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का बेटा था और मोहम्मद बाबर ने उसकी तालीम और तरबियत पर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी थी. और हुमायूं जो था वो एक क्विक लर्नर था, यानी चीज़ों को बड़ी जल्दी से सीख लेता था. इस वजह से उसने टर्किश, अरबिक और पर्शियन लैंग्वेजेस सीख लिया था, लेकिन उसका जो स्पेशल इंटरेस्ट था वो मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में था. और उसने काफ़ी ज़्यादा वॉर एक्सपेडिशंस में हिस्सा लिया था. और उसके बाप यानी बाबर ने उसे बरक्षा का गवर्नर बना दिया जबकि वो सिर्फ 12 साल का था. तो इस तरह उसने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेडिशंस में हिस्सा लिया. और जब उसके बाप की डेथ हो गई थी 1530 ईस्वी में, तब वो सल्तनत पर काबिज़ हो गया था. यानी उसके बाप की वफात के बाद जो हुमायूं था वो बादशाह बन गया था. So students, this is your reading, and we have discussed the core points of the reading that you have to learn. Students, अपना lesson बेटा ध्यान से याद कीजिएगा, important dates को highlight कीजिएगा, important names को highlight कीजिएगा.